अकेले के साथ रहना चाहता है ना तू? जन्नत छोड़, जन्नम का दरवाजा भी खटखटाया होगा ना इनकी रूह ने, तो वहां बैठे शैतान ने इनके गांड पर लात मारकर भगा दिया हो। यही कहीं भटकती होगी उनकी रूहे, मैं तो नहीं देख पा रहा हूं, शायद तू देख सकेगा, तेरे अपने हैं। ये कौन है, क्या नाम है इसका? अब्दुल। अब्दुल, पूछ इन सबको क्या होता है जिहाद, कुछ शायद अब समझ गए होंगे। 41 बार जिक्र आया है जिहाद का पाक किताब में, फिर भी तुम लोग नहीं समझे। तुम क्या समझते हो, सिर्फ तुमने और तुम्हारे आका ने कुरान पढ़ी है? हम सब लोग जाहिल हैं, हमारी कोई औकात नहीं, बिसात नहीं। क्या औकात है तेरे आका के? गर्स में तेरे आका ने यह नहीं बताया हुआ तो अशरफुल मखलूक है, यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तखलीक इंसान। इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? तुम्हारी आका ने यह नहीं बताया कि जहन्नम की आग से बचने के लिए खुदा ने तौबा बनाई है? सच्चे दिल से अपने गुनाह की तौबा करता तो भी जन्नत तेरी थी। तेरे आका ने कुरान की इस नसीहत को तुझे नहीं बताया, कैसे बताता? ये तो जेहाद का गाजर दिखाकर तुमसे ऐसी घिनौनी हरकत कैसे करवाता? उसने कहा इस्लाम खतरे में है, जिन पर आफत आ गई है, और तूने भून कर रख डाला मासूमों को। मादर चौद, उन मासूम बच्चों से और औरतों से कौन सा खतरा था तेरे मसल? इस्लाम की नींव ही इंसानियत पे है, इसका तुझे इल्म ही नहीं, क्योंकि तू जाहिल है। ऐसे जिहाद के बाद तू समझता है तुम्हारी रूहें पाकिजा और नूरानी रहेंगी? एग्जॉस्ट चालू कर। देख इनके चेहरों को, घिन आती है, घिन। सुन इनके जिस्म से आ रही शहादत की खुशबू को। मादर चोद, नाक को बंद करता है। सुन सुन, हम सुन 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 सुन, फरिश्ते आएंगे, शहर से उरे नहलाए, तुम्हारे आका ने इन लाशों को पहचानने से तक इनकार कर दिया, दो गज जमीन तक नहीं मिली इन लाशों को। Biggest, latest Bollywood blockbuster, only on Eros Now.